ये देखो गाइस, यहाँ पे जोंगकू, ईशा और ये है टिंकू। और अभी बजे है सुबह के 11 और अभी तक ये लोग सो रहे हैं और हम लोग जग रहे थे। कल 4:30 बजे तक हम लोग जग रहे थे और ये तीनों के तीनों अभी तक सो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। गुड मॉर्निंग जोंगकू। गुड मॉर्निंग टिंकू। सा गुड मॉर्निंग। ए 11 बजेगा, उठो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपने पहचाना ये कौन है? क्या नाम है आपका? नाम बताओ। सो हे गाइस, ये है जीवा और ये हो चुका है इसका मुंडन। इसके सारे बाल चले गए, कितने मस्त मस्त बाल थे। सारे चले गए। जीवा वाड़ क्या बब्बू है? क्या बब्बू टिंगली थी जा? तो टिंगली थी जा, टिंगली टिंगली केम कर एमने, टिंगली केम कर उमा का दबा ना। उमा उमा हाय कर दामा, जो हाय कर दा। हाय गाइस, हाय गाइस, हाय, मुआ, लव यू, लव यू बोल, आई लव यू। गाइस, आप लोग बहुत टाइम से कृष्णा जी से नहीं मिले हो, तो आज आप कृष्णा से मिल लो। और एक यहाँ पर भी मैंने कृष्णा का पोस्टर लगाया है, राधा कृष्ण का। और यहाँ पे जो मैंने इसमें कलर फिलअप किया था, तो ये मैंने फ्रेम भी बनवाई है राधा कृष्ण की। सो हे गाइस, देखो यहाँ पर कौन आया है, निधि। और आज ये साड़ी पहन के आई है, बहुत अच्छी लग रही है। लगना चाहिए ना शादीशुदा। शादीशुदा लगना चाहिए, सही बात है। तो आपकी तबीयत तो उनसे बताओ कैसा है? एकदम मस्त, एकदम मस्त। और शादी के बाद कुछ डिफरेंस भी लग रहा है? नहीं, मुझे तो लग रहा है, लेकिन अभी हम लोग निकले हैं वॉकिंग करने के लिए।
गाइस अभी हम लोग आए हैं सोडा पीने के लिए। सो हे गाइस आ गई है हमारी सोडा। अपने ससुराल तो अभी हम सब लोग खाना खा रहे हैं। खाना खा के हम सब टिंकू को बाय बाय बोलेंगे। अभी टिंकू साड़ी भी पहनेगी, देखते हैं कैसे लग रही है। क्या कर रही है जंकू? हाय ईशा, आज ईशा की फ्रेंड की शादी थी तो वो रेडी हुई है, बंधन के रेडी हुई है। शादी नहीं हल्दी होती। हाँ भाई हल्दी होती है भाई। सिखन, किस किस को सिखन पसंद है? जिसको भी सिखन अच्छा लगता हो वो कमेंट करे, लाइक करे। लसुन वाला पानी वाला जे छे ने ई नाम क्यों अपना। लसुन अनिंदर आउटिंग कैसा लगा टेस्ट? मस्त। हे गाइस यहाँ पे ईशा है ना, खाना खा के बेड के ऊपर गिरा के अंदर पड़ रही है। मम्मी को पता ना चले इसलिए। वाओ, लेकिन मैंने अभी सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा है, अब सब पता चल जाएगा। ये बड़ी बड़ी आंखें ना बाहर निकल के आ जाएगी चश्मे में से। मेरी आंखें बड़ी नहीं है, छोटी है। आज बड़ी लग रही है। आईलाइनर किया है, दिखाओ चश्मा निकाल। दिखा आईलाइनर। आईलाइनर की तो भी नहीं दिख रही है तेरी आंखें। सो हे गाइस टिंकू रेडी हो चुकी है यहाँ पे ससुराल जाने के लिए। मस्त लग रही है। हाँ अभी की तू बंद हो ना। और अभी तो ये जाएगी सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए। और ईशा यहाँ पे सो रही है क्योंकि ईशा को बहुत नींद आ रही है। टाटा। हे गाइस अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे सेव टमाटर की सब्जी। और पराठे तो मम्मी ने बना के ही रखे हैं, तो अभी मैं सेव टमाटर की सब्जी बना रही हूँ। तो आज हमारे घर पे बन रहा है प्रॉपर गुजराती खाना। तो अभी मैंने ऑयल रखा है कढ़ाई में और उसके बाद मैं उसमें डालूंगी टमाटर। तो
अब मैं इसमें डालूंगी मेरी स्पेशल लहसुन की चटनी। ये चटनी हम लोग घर पे ही बनाते हैं और हम लोग जो चटनी बनाते हैं वो थोड़ी सी अलग टाइप की होती है, तो मैं कभी आपको लहसुन की चटनी की भी रेसिपी बताऊंगी। वैसे तो हर किसी के घर में लहसुन की चटनी बनती ही रहती है, पर जिस तरह से हम बनाते हैं उस तरह से शायद ही कोई बना रहा हो, तो मैं आपको बताऊंगी जब हम फिर से लहसुन की चटनी बनाएंगे तब। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है नमक और हल्दी पाउडर। और थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब इसको हम इतना पकाएंगे पका के जब तक टमाटर बोल नहीं देते कि बस छोड़ दे अभी मैं पक गया हूँ, तब तक हम इसको पकाएंगे। मस्ती कर रही हूँ। जब तक टमाटर की ग्रेवी नहीं बन जाती है तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। मम्मी खांड ना फ्रिज के हाल से खांड मत ना फ्रिज थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा, तब तक मैं पानी ऐड कर दूंगी। जब इसकी पूरी तरीके से ग्रेवी बन जाती है उसके बाद ही इसमें हम पानी ऐड करेंगे। बहुत मस्त स्मेल आ रही है, आपको भी आ रही होगी। देखो ये बन रही है यहाँ पे ग्रेवी। और यहाँ पे मम्मी ने पराठे भी बना के रेडी रखे हैं और यहाँ पे मैंने सेव रखी है। तो जब ये टमाटर की अच्छे से ग्रेवी बन नहीं जाती है तब तक मैं इसको हिलाऊंगी। वैसे तो ग्रेवी बन चुकी है ऑलमोस्ट और ये टमाटर भी अच्छे थे, देसी टमाटर थे। तो देसी टमाटर की जब भी आप सब्जी बनाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब ये ग्रेवी तो हो ही चुकी है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। जितनी हमें क्वांटिटी में सब्जी चाहिए उतना हम पानी ऐड करेंगे। और जब ये पानी पूरा उबल जाएगा उसके बाद मैं इसमें सेव ऐड करूंगी, तो थोड़ा सा और पानी भी हमें चाहिए। थोड़ा सा और पानी
मैं इसको टेस्ट भी कर लेती हूँ कि नमक और मिर्च की कोई कमी तो नहीं है। सही लग रहा है वैसे तो। थोड़ा सा मैं इसमें मिर्च पाउडर डाल दूँ ताकि कलर आए, इसलिए। वैसे तो गार्लिक की पेस्ट डाली हो तो मिर्च पाउडर ना डाले तो भी चले, पर कलर चाहिए तो फिर मिर्च पाउडर ऐड करना ही पड़ेगा। हे गाइस, देखो यहाँ पर पानी पूरी तरीके से उबल चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी सेव। तो हे गाइस, यहाँ पे आ गया है मेरा खाना, सेव टमाटर की सब्जी, पराठे और मेरे फेवरेट पापड़। चलो अभी मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी वॉकिंग करने के लिए।